आज का टॉपिक है वो क्या है हमारा, एसआईओ। एसआईओ को हम सुपर आईओ भी बोलते हैं, आईओ भी बोलते हैं और इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, है ना। ईसी यानी कि एम्बेडेड कंट्रोलर भी इसको बोला जाता है। ये हमारे सिस्टम की समझ लो कि मेन कंट्रोलर चिप होती है। हमारे लैपटॉप में डिस्प्ले आने से लेके उसको पावर ऑन होने तक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मोस्टली आईओ से आती हैं। और आईओ का एक ये भी काम होता है कि आईओ जो होती है हमारी वो बहुत सारे सर्किट्स को कंट्रोल करती है, उनको इनेबलिंग सिग्नल्स देती है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। अगर कोई भी बोर्ड में कोई भी अगर डैड की प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं आईओ से रिलेटेड हो सकती है, तो उसको चेक करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो आईओ क्या है? आईओ एक माइक्रो कंट्रोलर है जो मल्टीपल सर्किट्स को कंट्रोल करता है। इसका यूज नो पावर से लेकर नो डिस्प्ले और डिस्प्ले के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी आईओ रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो आयो जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आयो का मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनमें सबसे पहले हमारी कंपनी आती है ईएनई की। बहुत सारी आयो आती है, 9012 आती है, 9022 आती है ना। जैसे अभी हमारा जो हमने कल एक लैपटॉप का बोर्ड था R23 जिसको हम कर रहे थे, उसमें ईएनई 9012 लगी हुई थी। वो एक प्रोग्रामेबल आयो है, तो ये भी बताएंगे प्रोग्रामेबल आयो। पहले भी हम बता चुके हैं ना बायोस के बारे में कि कौन कौन सी आयो हमारी प्रोग्रामेबल है कौन सी नहीं। ठीक है, दूसरी हमारी एक आईटी कंपनी होती है, आजकल इसका जो ऑनरशिप है वो लिनोवो ने ले रखी है, तो लिनोवो के नाम से अब आती है। इसको जो कह सकते हैं कि लिनोवो ने इसको परचेज कर रखा, खरीद रखा है इसको, अब ये लिनोवो के नाम से आती है। उसके बाद एक आयो आपको मिलेगी नोवोटॉन, इसको एनपीसी बनाती है, तो एनपीसी भी बोलते हैं इसको, नोवोटॉन भी बोलते हैं। तो नोवोटॉन आयो चिप पे लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद एक और आयो चिप है जो SMSC बनाती है, एक इस जो होती है चिप हमारी माइक्रो चिप जिसको बोलते हैं, वो इसको बनाती है मैक के नाम से। इसका नाम आपको मिलेगा, अगर शॉर्ट में लिखा होगा तो मैक के नाम से आपको मिल जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिन बॉन्ड, लेकिन आजकल ये देखने को नहीं मिलती है क्योंकि एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। जो पुराने हमारे मदरबोर्ड आते थे फर्स्ट सेकेंड जनरेशन के या पहले हब के आर्किटेक्चर के आते थे, तो उनमें ये देखने को ज्यादा मिलती थी। ठीक है, तो हम इसकी सीधे स्ट्रक्चर पे आते हैं, देखते हैं आयो हमारी दिखती कैसी है। तो मदरबोर्ड पे देखें तो सबसे बड़ा जो कंट्रोलर चिप जिसमें सबसे ज्यादा पिंस होती हैं वो आपकी आयो होती है। तो देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे देखें तो पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा ये आईसी जो लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर, इसकी सबसे ज्यादा पिने हैं और इस पे लिखा भी है ITE। इसी तरह से अगर आप R23 का बोर्ड उठा जरा, जो हमारा R23 का मदरबोर्ड है, इस पे भी आपको एक आयो दिख रही है, लेकिन इस पे देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा दिखेगा आपको ENE। क्या लिखा दिखेगा? ENE। ठीक है, तो ये हम पहचान लेते हैं, लेकिन इस आईसी को कुछ और भी तरह से हम पहचान सकते हैं। एक तो हमने कह दिया कि बड़ी चिप होती है, दूसरी चीज क्या होती है कि 128 पिन की आईसी होती है। इसमें कितनी पिन होती है? 128 होती है। यहां से गिनना शुरू करेंगे, ये डॉट लगा हुआ है तो ये पिन नंबर फर्स्ट लेफ्ट साइड की होती है, तो एक साइड में 32 है, तो 32 इधर 64 हो गई, इधर 32 96 और 32 128 पिन की आयो मिलती है आपको। ठीक है, तो ये वन साइडेड पिन वाली आयो है। कई बार आपको ऐसी भी आयो मिलेगी जिसकी दोनों साइड में पिन हो, तो उसको कैसे काउंट करोगे? एक पिन आपकी अंदर साइड होगी और एक बाहर साइड होगी, यानी एक आउटसाइड होगी और एक इनसाइड होगी। तो यहां पे देखें तो इस क्रम को इन्होंने ए बोला है, यानी ए वन ये हो गई, तो इसके अंदर वाली साइड की पिन क्या हो जाएगी? बी वन हो जाएगी। तो इस तरह से इसको काउंट किया जाता है, ए वन से लेके ए 16, ए 17 से लेके आपकी ए 32 और ए 32 से और 33 से लेके यहां पे आपका जो भी होगा ए 48 तक है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 16-16 का अंतर यहां पे चलेगा, डिफरेंस कितने का होगा? 16-16 का डिफरेंस यहां पे होगा। ऐसी बी देखें तो बी वाली पिन जो होती है वो बी को अंदर वाली जो इनसाइड वाली जो पिन है इनको बी से मार्क किया गया है, तो यहां पे ये जैसे कहेंगे तो इसको बी वन हो जाएगी, है ना, ये बी टू बी थ्री बी फोर इसी तरह से यहां तो बी 16 तक ही पहुंचेगा। ठीक है, तो कुछ पिने आधी पिने कह सकते हैं कि अंदर वाली साइड होंगी इनसाइड होंगी और आधी पिने जो होंगी वो वाली आपकी आउटसाइड होंगी। ठीक है, ये आयो आपको मिलती है देखने को। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ये है कि जब हम इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसको जो हम ट्रेसिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अंदर वाली पिन होती है इनके लिए बहुत ही कम दिख रही होती है, तो इनके लिए मल्टीमीटर की जो नीडल्स होती है वो आपकी बड़ी शार्प होनी चाहिए, तभी आप इसको टेस्ट कर, हाँ दिखती है। ठीक है, दिखेंगी। दूसरी जो होती है SMC, ये एप्पल में आपको ज्यादातर मिलती है, ये बॉल वाली आयो होती है। अब ये नहीं कि एप्पल में ही लगी मिलेगी, बहुत से ऐसे मदरबोर्ड मैंने देखे हैं डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में भी आपकी जो आयो लगी होती है वो बॉल वाली ही होती है। एक बोर्ड अभी डेस्कटॉप का आया था, ओल्ड मॉडल था, उसमें भी क्या था
बॉल वाली ही आयु लगी थी। तो हम ये नहीं कहेंगे केवल एप्पल में ही होती है, लेकिन अधिकतर होती है एसएमसी, मतलब अधिकतर एप्पल में होती है। तो ये आपको तीन सेप में आपको मिल सकती है, 128 पिन की होती है ये आईसी, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहचानना आसान है, हमारे मदरबोर्ड में सबसे बड़ी आईसी यही होती है, उसको नहीं पहचान सकते, उसको रिवॉल्व करके लगाना होता है, वो भी अपने साइज में बड़ी होती है सबसे, इसलिए उसको पहचान लेते हैं कि हाँ यही हमारी एम्बेडेड कंट्रोलर है। बाकी हम स्कीमेटिक में जाके पता लगा लेते हैं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आयो को पता लगाना बहुत आसानी से ढूंढ लेते, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल आयो क्या होती है और नॉन प्रोग्रामेबल क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। अगर ईसी बायोस, हमने आपको बताया था ईसी बायोस, मेन बायोस के बारे में, अगर ईसी बायोस आयो के अंदर ही है तो फिर आपको ईसी बायोस नहीं प्रोग्राम करने की जरूरत है, आपको आयो प्रोग्राम करने की जरूरत है। क्योंकि ईसी बायोस को आप निकालोगे कैसे, उसकी आईसी को तो आप नहीं निकाल सकते ना, वो तो आयो के अंदर फिक्स है, उसका रोम जो है वो आयो के अंदर है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको यही करना होता है कि जो आपकी आयो है उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, इसके लिए आपके लिए प्रोग्रामर की जरूरत होती है। तो कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट में कुछ ऐसे नाम दे दिए हैं जो आप पहचान सकते हो कि आयो कौन सी प्रोग्रामेबल है, यानी कि ईसी बायोस किस किस के अंदर है तो पहचान सकते हो। बाकी मेरे पास पूरी लगभग 50 से 60 आईसीयू का ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट की एक लिस्ट हमने बनाए रखी है, इसमें सारी आईसीयू हैं, उसमें नॉन प्रोग्रामेबल और प्रोग्रामेबल जो भी है वो आपको सब हम दे देंगे, ठीक है। तो ये नहीं देखते, तो यहाँ पे KB9012 आपकी प्रोग्रामेबल है, KB9016 प्रोग्रामेबल है, KB9022 प्रोग्रामेबल है। इसके अलावा ये नहीं कि और भी आईसीयू होती है बहुत सारी, वो भी आयो प्रोग्रामेबल होती है, कुछ ऐसी होती नहीं होती है ना, हम ये नहीं कहेंगे सभी होती है। आईटी में देखें तो आईटी में आपका 8586 ये प्रोग्रामेबल होता है, आईटी में भी आपका 8987 भी प्रोग्रामेबल होता है। एनपीसी में देखें तो आपका 288 388 ये भी प्रोग्रामेबल है। एनपीसी का मतलब तो समझ ही गए होंगे, हम यहाँ पे नोबोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन प्रोग्रामेबल आयो देखें तो येनी में हमें क्या काम मिलता है, हमें येनी में KB3940 यानी कि 3940 एक आईसी आती है, वो आपकी नॉन प्रोग्रामेबल होती है। KB926 ऐसे बहुत सारे नाम है जो नॉन प्रोग्रामेबल है, क्योंकि आयो के अंदर ईसी बायोस नहीं, ईसी बायोस क्या है आउटसाइड यानी बाहर दिया हुआ है, ठीक है। आईटी में देखें तो आपका 8502, इसके अलावा और भी आईसी हो सकती है। एनपीसी में आपका 285 985, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आईसी होती है। तो आपको ये पता लगाना है कि आपकी प्रोग्रामेबल कौन सी है और नॉन प्रोग्रामेबल कौन सी है, तो उसके लिए हम आपको लिस्ट दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा थोड़ा सा आईसी को समझने का, यानी कि उसका आर्किटेक्चर कौन सा होता है, कितने टाइप्स की होती है, प्रोग्रामेबल क्या है, नॉन प्रोग्रामेबल क्या है, या फिर हमारी कितनी पिंस की आईसी होती है, इस चीज हमने इसमें देख ली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसका नेक्स्ट जो पेज है उसको हम ओपन करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हमारी आयो की सीडीएम रिक्वायरमेंट्स पे आएंगे, इसको हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके स्कीमेटिक में जाएंगे, स्कीमेटिक में जाके हम वहाँ पे ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू लेना आप, क्योंकि आप न्यू हैं अभी इस फील्ड में, तो आपके लिए ओवरव्यू बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आयो का पावर ऑन सीक्वेंस लिया है। कई बार क्या होता है, मदरबोर्ड हमारे पास आता है वो ऑन नहीं हो रहा होता है, तो ऑन नहीं हो रहा है तो उससे पहले कि हम सारी चीजें लगभग चेक कर लें उसके बाद ही हम आयो पे आए, है ना। ऐसा नहीं कि हम आयो पे पहले टेस्ट करने लगे, हम ये देख लेना होगा कि 19 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो रहा है, हमारी जो चार्जिंग आईसी होती है उसका एसी ओके आ रहा है ना, वैलिड है। उसके बाद हमारा जो स्टेप डाउन होता है उसके 3 वोल्ट 5 वोल्ट के एलडीयू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें जब ओके होती हैं, 3 वोल्ट 5 वोल्ट भी बन रहा होता है ना, ऑलवेज जो होता है हमारा, ऑलवेज कब बनता है, जब आयो हमारा S5 ऑन या फिर इनेबल का जो सिग्नल देती है स्टेप डाउन के लिए, तभी 3 और 5 वोल्ट का जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये सारी सप्लाइयां आप लगभग चेक कर चुके हैं, आरटीसी वगैरह सब चेक कर चुके हैं, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तब आपको आयो पे काम करना है। आयो पे काम क्या करना है, फिलहाल तो आयो पे हम देखते हैं, आयो में बहुत सारी पिने होती है, अभी हमने आपको बताया कितनी पिने होती है, लगभग 128 पिन होती है। तो ऐसा नहीं कि सारी पिने इसी चीज के लिए इन्वॉल्व हो कि बोर्ड को ऑन ही कराना है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पिन होती है जो बोर्ड को ऑन कराने के लिए ही होती है, तो कम से कम उन्हें तो हमें चेक करना है ना। हमारा जब बोर्ड एक बार ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि ट्रिगर ऑन लॉजिक जो होता है हमारा आयो का, वो काम कर जाएगा, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं, उसके बाद हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, उसके बाद उसके आगे की रिक्वायरमेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो आयो कोई भी है, यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लिया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आयो में, हमें चेक क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आयो में जब हम आते हैं, तो हमें आयो का स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करना होता है, यानी आयो को एक स्टैंड बाई वोल्टेज आता है, इसको ऑलवेज वोल्टेज भी कहते हैं। ये आयो के लिए बीसीसी का काम करता है, यानी कि आयो का जो इंटरनल सर्किट होता है इसके अंदर, है ना, जो इंटरनल लॉजिक होता है इसका, उसके लिए पावर चाहिए होती है।
तो पावर उसको कहां से मिलती है? स्टैंड बाई पावर चाहिए होती है जो आपके एलडीओ सेक्शन से आती है। एलडीओ मतलब आपके जो स्टेप डाउन आईसी है उसका एलडीओ उस पे दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी ऑलवेज वोल्टेज को भी दिया जाता है, उस कंडीशन में ऑलवेज वोल्टेज जो होता है जो पावर ऑन होने से पहले बन जाता है, तो उसका यूज यहां पे कर लेते हैं। अब नंबर एक पे तो इसको बीसीसी मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 3.3 वोल्ट, ठीक है, 3.3 वोल्ट इस पे आ जाएगा। तो नंबर एक पे तो आपको ये चेक कर लेना है, चेक कर लिया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नंबर टू में आपको इसका ग्राउंड चेक करना है। नंबर टू में क्या करना है? ग्राउंड चेक करना है, क्योंकि जब तक ग्राउंड चेक नहीं होगा तब तक उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इंटरनल लॉजिक काम नहीं करेगा। ये दो चीजें आपने चेक कर ली, ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है। इसके साथ ही एक वोल्टेज और होता है, वो हम स्कीमेटिक में अभी जाएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे ये बीसीसी हो गया, तो इसके साथ एक एबीसीसी होता है, उसका ग्राउंड भी होता है। तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो यहाँ पे इस डायग्राम में हमने अधिकतर नहीं यूज करी, यहाँ पे हमने केवल ओवरव्यू लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सप्लाई मिल गई, इसको ग्राउंड मिल गया, इसके बाद आईसी क्या हो जाएगी? हमारी बैकअप हो जाएगी। तो आईसी जब हमारी बैकअप होगी उसके बाद हमें क्या चेक करना है? नंबर तीन पे हमें इसका रीसेट चेक करना है, ईसी रीसेट हैच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं ये कोई किसी ना किसी पुलअप से ये रजिस्टर से होता हुआ ये आता है, ठीक है। इसको आपको चेक करना होता है, तो इसको आपको चेक करना जरूरी है, ठीक है, इसको आपको चेक करना जरूरी। उसके बाद में देखते हैं ईसी रीसेट इसको मिल गया, तो नंबर चार पे हम क्या चेक करेंगे? तो नंबर चार पे जब इसको ईसी रीसेट मिल जाता है उसके बाद में हम इसको चेक करते हैं कि इस पे एसी ओके आया या नहीं आया। ये एसी ओके कौन सा है? ये एसी ओके हमारा चार्जिंग आईसी से आता है। किससे आता है ये हमारा? ये चार्जिंग आईसी हमारा एसी ओके जो होती है वो इसको देती है। तो वहां भी इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको चार्जिंग आईसी पे भी चेक करना है, आईओ पे भी चेक करना है, यानी एक तरह से एक इनपुट सिग्नल होता है इसके लिए, आईओ के लिए। अगर नोवोटॉन की आयो है, बिस्ट्रॉन का मदरबोर्ड है, तो वहां पे तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो पीएसएल लॉजिक यूज किया जाता है। तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनेगा ही नहीं जब तक ये वैलिड नहीं होगा। तो पीएसएल लॉजिक के बारे में जो पावर सप्लाई लॉजिक होता है उसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको चेक करना जरूरी है, एसी ओके भी इसको नंबर चार पे आप चेक कर लो। नंबर पांच पे आपको क्या चेक करना है? तो हमारे मदरबोर्ड में एक हॉल सेंसर होता है, इसको हम लीड स्विच भी कहते हैं, मैग्नेटिक स्विच भी कहते हैं। तो इस पे 3.3 वोल्ट आते हैं, हो सकता है कहीं से पुल अप दिया हो, 10 किलो ओम का रजिस्टर हो सकता है या ज्यादा का भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे लीड स्विच पे आता है, इसको हॉल सेंसर भी बोलते हैं। जब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन को डाउन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन बंद हो जाती है। वो स्क्रीन क्यों बंद होती है? वो इसीलिए बंद होती है क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं मदरबोर्ड पे एक लीड स्विच लगा होता है, और जैसे ही ये बॉडी हमारे लैपटॉप की उस पर जाती है तो मैग्नेट लगी होती है, तो मैग्नेट से जैसे संपर्क में आता है वो क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो इस पे आपको 3.3 वोल्ट चेक करना, ये भी एक तरह का स्विच है, जब तक ये आपका ओपन रहेगा तब तक समझ लो आपको बोर्ड ऑन नहीं हो सकता। इसको पता लगेगा कि भाई ऐसा है कि जो ओपन का मतलब क्या है कि आपके स्क्रीन का ढक्कन गिरा हुआ है, यानी कि आपका जो स्क्रीन है वो गिरा हुआ है। अब स्क्रीन गिरा हुआ है तो स्क्रीन गिरी होगी तो आप बटन दबाते रहोगे, बोर्ड नहीं ऑन होगा ना, या तो इसी को निकाल दो। तो नहीं निकाला है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसके वोल्टेज चेक करने होंगे। यहाँ पे 3.3 वोल्ट आपको चेक करने है, ये आपकी नंबर फिफ्थ की रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद नंबर सिक्स में आपको क्या करना है, हर मदरबोर्ड में उसके सीपीयू सेक्शन के पास में एक थर्मल का प्रोटेक्शन होता है ना, कि वो कितना हीट कर रहा है। उसकी इंफॉर्मेशन आईओ को जाती है और आईओ के एसी बायोस के अंदर ये पहले से ही फीड होता है कि कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कितने टेम्परेचर को काउंट करना है। तो इसमें एक एनटीसी यानी कि लगा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट करके एक रजिस्टर लगा होता है। उस रजिस्टर को क्या करते हैं, उसकी वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो डाउन होती रहती है, आयो को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और एक ऐसी लिमिट आती है कि आयो को लगता है कि भाई अब टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल है, ऊपर ओवर हो गया टेम्परेचर, क्योंकि उस लाइन को क्रॉस करने वाला है। आयो क्या करती है, S5 इनेबल को के पाथ को लो कर देती है। S5 इनेबल क्या होता है, आपके स्टेप डाउन के 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल है, उसको पाथ को लो कर देती है, इनेबल नहीं निकलता है और 3 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई बंद हो जाती है, बोर्ड हमारा ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये थर्मल का भी कॉन्सेप्ट बहुत रहता है, कई बार ये थर्मल का ये रजिस्टर खराब हो जाता है, हम देखते भी हैं कि बार बार जब इसको चेक कर रहे होते हैं तो हमारी 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रही होती, तो एक इशू ये रहता है। या तो थर्मल के प्रोटेक्शन को हटाओ या इसमें लगा हुआ एक आगे डायोड होता है उसको हटा दो, लेकिन ये करना गलत रहता है थोड़ा, कि बोर्ड को आप ऑन करके तो दे दोगे कस्टमर को, लेकिन अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा है ना, बोर्ड को तो सेंस ही नहीं होगा, आयो को तो सेंस ही नहीं होगा कि भाई यहाँ कि हमारा क्या है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो बढ़ भी रहा है, मतलब रजिस्टर डाउन हो रहा है, वोल्टेज बढ़ भी, टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, तो फिर तो वो बढ़ता ही चला जाएगा ना, तो हो सकता है आपका सीपीयू चला जाए। तो काम करो, लेकिन ऐसा मत करो, कोशिश करो कि उसको पहले लॉजिक वाले सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करो।
नंबर सिक्स पे जब हमें उसका थर्मल का इनपुट मिल जाता है, उसके बाद नंबर सेवन पे हमें उसके थर्मल का आउटपुट भी चेक कर लेना है। कई बार लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती है आयो पे, लेकिन मिल जाता है। नंबर सेवन पे आपको थर्मल का आउटपुट भी चेक कर लेना, ये थर्मल का आउटपुट आपको चेक कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। जब ये चेक हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि अब बायोस जो आपका ईसी बायोस लगा होता है, किसके साथ में, आयो के साथ के बायोस की बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने बाहर दिखाया, हो सकता है ये अंदर भी हो, तो इसके साथ हमारी आयो का कम्युनिकेशन होता है ना। आयो की जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, फिर आयो कहता है कि मुझे क्या काम करना है, बायोस उसको कमांड देता है कि भाई आपको ये काम करना है, तो काम क्या करना है उसके लिए आयो क्या करती है, बायोस के साथ कम्युनिकेट करती है। तो कम्युनिकेशन वैल्यूड होना चाहिए आपका ईसी बायोस, कभी कभी ये करप्ट हो जाता है, तो इसके आगे की जो नेक्स्ट स्टेप्स होती हैं, जैसे आपके बहुत सारे सिग्नल देख रहे हैं, जैसे कोई ना कोई सिग्नल आउट नहीं हो रहा होता है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा होता है, तो इसी यही कारण होता है, यही वजह होती है कि हम आयो को प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि आयो किसके अंदर होती है, इसी बायोस के अंदर होती है, इसी बायोस सॉरी किसके अंदर होता है, आयो के अंदर होता है। बाहर है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते प्रोग्राम। तो इसकी इशू तभी आता है, प्रोग्राम करने की जरूरत होती है जब हमारे जो और सिग्नल्स आउट नहीं हो रहे होते, है ना। ये तो काम हो जाएगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयो जो है वो इसी बायोस के साथ कम्युनिकेट कब करती है, जब आपकी थर्मल का प्रोटेक्शन यानी बहुत सारी चीजें जब क्लियर हो जाती हैं आने से, उसके बाद नंबर एट पे हमने यहाँ पे दिखाया है, तो ये नंबर एट पे इसको कम्युनिकेट करेगा, ठीक, ये कम्युनिकेट इससे करेगा। फिर नंबर कौन सी कम्युनिकेट करती है वो हम आपको बायोस में बता चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखते नंबर नौ पे क्या होगा, जब ये सारी चीजें बायोस का कम्युनिकेशन हो जाएगा, बायोस इसको डेटा दे देगा, ये क्या करेगा नंबर नाइन पे एस फाइव ऑन जो इनेबल सिग्नल होता है, इसमें अभी बार बार मैं बात कर रहा हूं, ये किसको दे देगा, स्टेप डाउन आईसी को दे देगा, स्टेप डाउन आईसी को इनेबल देगा, तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलवेज जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। एलडीयू तो पहले ही बन चुका है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो ऑलवेज है वो बाद में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जनरेट होगा तो क्या होना चाहिए, नंबर टेन पे आ जाते हैं, तो नंबर टेन पे क्या करेंगे हम, फिर पावर बटन को ही दबाते हैं, समझ रहे ना, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करते हैं। पावर बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पावर बटन पे हमारे पुल अप से 3 वोल्ट आ रहा होता है, और पावर बटन का एक जो साइड होती है वो ग्राउंड होती है, तो जैसे ही पावर बटन को दबाते हैं ये ग्राउंड आ जाता है, यहां जैसे ग्राउंड आता है ये 3 वोल्ट यहीं पे होल्ड हो जाता है, और जैसे ही इसको छोड़ते हैं फिर से वो 3 वोल्ट आ जाता है, यानी कि पहले वोल्टेज था जो हमने बटन को प्रेस किया 0 हो गया, फिर हाई हो गया यानी कि 3 वोल्ट हो गया, तो जैसे ये हाई लो हाई हुआ, जैसे ये पहले क्या था, हाई था, फिर बटन को प्रेस किया ये लो हुआ, फिर ये क्या हुआ, हाई हुआ, तो जैसे ये हाई लो हाई हुआ, आयो को एक सिग्नल पता चल गया, आयो को लगा कि भाई पावर बटन दब गया। जब पावर बटन दब गया फिर आयो आगे क्या करेगी, आयो एसी प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन पीसीएच को भेज देगी, बता देगी कि अडप्टर प्रेजेंट हो गया, अडप्टर लग गया है। उसके बाद में नंबर 12 पे क्या करेगी, लिट स्विच आउट की इंफॉर्मेशन, लिट स्विच आउट जैसे एसी प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन इसको दे दी, है ना, उसके बाद लिट स्विच आउट, जैसे लिट स्विच इन हुआ था ऐसे लिट स्विच आउट की इंफॉर्मेशन भी जाती है कि लिट स्विच आपका प्रेस हो गया। जैसे हमने इसको कवर को उठाया लैपटॉप की स्क्रीन को, है ना, आयो ने इन्फॉर्मेशन सीधे किसको भेज दी, पीसीएच को बता दिया कि वो जो लिट स्विच है वो आपका ऑफ हो गया, ठीक है। जैसे ही लिट स्विच ऑफ होगा नंबर 13 पे एक सिग्नल और भेजेगा हमारा आयो ही भेजेगा, किसके लिए भेजेगा, पीसीएच के लिए, आरएसएम आरएसटी है, इसको रिव्यूम एंड रीसेट कहते हैं। ये पीसीएच को सिग्नल देगा कि पीसीएच से बोलेगा कि भाई अब क्या है, तुम अपने आप को रीसेट करो, जो पुराना पेंडिंग डेटा तुम्हारे अंदर होल्ड हो गया है, या बायोस के साथ जो आप पहले कम्युनिकेशन कर रहे थे उसमें कोई भी डेटा आपका रह गया है, एकदम अचानक सिस्टम को बंद किया गया हो, तो आप उसको क्लियर करो और बैकअप हो जाओ काम करने के लिए, क्योंकि आपको नया सिग्नल हमें देना है। तो आरएसएम आरएसटी को भी आपको चेक करना है, इन सभी पिनों पे आपको कितना वोल्टेज चेक करना, 3.3 वोल्ट इस पे चेक करना, 3.3 वोल्ट इस पे, 3.3 वोल्ट इस पे। मोस्टली लैपटॉप में जितने भी सिग्नल आएंगे सभी 3.3 वोल्ट के ही आएंगे। जब आरएसएम आरएसटी इसको मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद में हमारे लैपटॉप से इसको एक और सिग्नल जाता है जिसको कहते हैं पावर बटन आउट, यानी कि जब हमने बटन दबाया तो ये तो पावर बटन इन हुआ था ना, हाई लो हाई हुआ था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हुआ था, हाई लो हाई हुआ था, ठीक है। तो ये तो आयो को पता चला ना कि भाई पावर बटन दब गया, अब आयो भी तो बताएगी पीसीएच को कि भाई पावर बटन दब गया, तो पावर बटन दब गया है तो ये नंबर 14 पे इन्फॉर्मेशन पीसीएच को आयो दे देगी, ये भी आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है। उसके बाद जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, उसके बाद हमारा जो पीसीएच है वो कुछ रिस्पॉन्ड में यानी कि कुछ फीडबैक के तौर पर कुछ सिग्नल्स देगा, फीडबैक तो नहीं कहेंगे,
वो मेजर सिग्नल्स होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये जो भी नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, जैसे S5 के बाद में हम S3 में S0 की सप्लाई है जो हमारी बनती है, वो इन्हीं सिग्नल से बनने वाली है, तो इसलिए इन्हें मेजर सिग्नल कहेंगे, है ना। तो ये क्या करता है, फिर जब इसको पावर बटन का मिल जाता है सिग्नल, तो ये क्या करता है, सबसे पहले PMSLP S4 hedge इस सिग्नल को रिलीज करता है, किसके लिए, IO के लिए। अगर ये बिस्टोन का बोर्ड नहीं है, तो अगर बिस्टोन का है तो IO के लिए सिग्नल नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना आप। नहीं, IO के लिए तो जाएगा, लेकिन IO इसके बिहाव पे कोई सिग्नल जनरेट नहीं करती है, यही सिग्नल सब जगह जाएगा, अभी देखेंगे। तो जैसे ये पावर बटन ऑन इसको मिला, इसने क्या किया, अगर जो एसओसी या पीसीएस लगा हुआ है उसने SLP S4 S हमारे IO को दे दिया। जैसे ये आएगा, ये क्या करेगा, जितनी भी सस लेवल की सप्लाइयां होंगी उनको इनेबल देगा जाके, जैसे रैम की सप्लाई सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। रैम की सप्लाई तभी बनेगी जब PMSLP S4 hedge आएगा, ठीक है। तो ये सिग्नल देगी, उसके बाद में क्या होगा, एक सिग्नल और ये देगा जो होगा SLP S3 hedge। ये सिग्नल कब बनेगा, इस सिग्नल को हमें देखना है, ये इसके बाद आएगा। तो सिग्नल का जो सीक्वेंस है उसके पैटर्न को आपको समझना है, कौन किसके बाद बन रहा है। अगर आप एकदम जल्दबाजी करेंगे ना कि ये चेक कर लूं वो चेक कर लूं, आप कंफ्यूज ही होंगे, ठीक है। तो जब ये PMSLP S3 hedge आएगा तो क्या बनेगा, आपकी S0 की सप्लाइयां बनेंगी, यानी कि रन लेवल की सप्लाइयां आपकी बनेंगी, जैसे आपका CPU कोर हो गया, GFX कोर हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सप्लाइयां, जैसे आपका BTT की सप्लाई हो गई, रैम BTT हो गया, PCs का BTT हो गया, है ना, BCC IO हो गया, जितनी भी आगे सप्लाइयां बनेंगी वो सब S3 के बिहाव पे बनेंगी, है ना जी। तो PMSLP S3 बहुत जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना, जब PMSLP S4 आएगा, अगर बोर्ड आपका क्वांटा का है, किसका बोर्ड है, क्वांटा का, तब IO जनरेट करती है एक सिग्नल जिसको कहते हैं हम आपका ससॉन। क्या कहते हैं, ससॉन। तो वो ससॉन आगे सबको इनेबल देगा, लेकिन कब देगा, जब यहां से PMSLP S4 आएगा। अगर बोर्ड आपका कॉम्पल का है, तो जैसे ही ये PMSLP S4 आएगा, इसी के आधार पर IO सिग्नल निकालेगी, उस सिग्नल का नाम होगा सिसॉन। क्या नाम होगा, सिसॉन। वो सिग्नल जाएगा सस लेवल की सप्लाइयों को, यानी कि S3 की सप्लाइयों को इनेबल देने का काम करेगा। तो यहां पर हमने ये दोनों बोर्ड में ये देखा कि चाहे वो कॉम्पल का हो चाहे क्वांटा हो, कि यहां से ये सिग्नल आता है, उसके बाद ही कोई ना कोई सिग्नल IO आगे भेजती है। अगर S3 आता है, PMSLP S3 आता है, तो क्या करती है, अगर आपका कॉम्पल का बोर्ड है तो यहां से एक सिग्नल निकलेगा सस्पी, इसको बोलते हैं, है ना, वो आपके रन लेवल की सप्लाई को एक्टिवेट करने के, इनेबल करने के लिए जाएगा। अगर क्वांटा का बोर्ड है तो आपका मेन ऑन करके या फिर रन ऑन करके सिग्नल निकलेगा, IO देगी और वो आगे जाके सप्लाई को इनेबल देगा। अगर बोर्ड बिस्टोन का है, ध्यान से समझना, अगर बोर्ड का मैन्युफैक्चरर यानी कि वेंडर बिस्टोन है, तो ये सप्लाइयां जो है, ये सिग्नल्स जो है, ये IO को तो जाएंगे, लेकिन IO इन्हीं सिग्नल्स को आगे रिस्पॉन्ड कर देगा जहां भी भेजना होगा। समझ रहे हो, IO इन सिग्नल को रिस्पॉन्ड कर देगा, यानी कि ये सिग्नल जाने के बाद में जो IO सिग्नल देती है इनके बिहाफ पे, वो नहीं देगी। अगर बिस्टोन का बोर्ड है तो यही सिग्नल आगे रिस्पॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी IO जो है वो काम करती है, IO के काम करने का ये तरीका होता है। तो एक एक सिग्नल्स को आपको समझना है। तो पावर ऑन सिक्वेंस के लिए आपको मोस्टली आपको कम से कम ये चीजें तो चेक करनी है। फिर भी अगर आप एक टेस्ट कहते हैं ना, प्रेडिक्शन वाला, अगर आप काम कर रहे हैं, आपका बोर्ड ऑन नहीं, और आप IO चेंज करके देख लो, है ना, 3.5 volt 5 volt नहीं बन रहा है, आप अपना स्टैंड बाई चेंज करके देख लो, है ना, जो आपकी स्टेप डाउन की IC होती है, BIOS को आप देख सकते हो, कई बार लोग PCH को भी हीट मार के देख सकते हैं। तो ये तो एक प्रेडिक्शन वाला काम हो गया ना, तुक्के वाला काम हो गया। तो तुक्के वाले काम से तो नहीं होगा ना, जब तक हम लॉजिक नहीं समझेंगे उसका। लॉजिक में हमें क्या करना है, हमें पूरी रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है, वन बाई वन, और वो भी सिक्वेंस से। ये नहीं एक चेक किया फिर वहां पहुंच गए, वहां पहुंचे, कुछ नहीं। लोगों का तरीका अपना अलग अलग है, कोई आगे से शुरुआत करते हैं, बैक टेस्ट में आते हैं, कुछ लोग पीछे से शुरुआत करते हैं। लेकिन कहीं से भी करो, चाहे बैक टेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आप सीधा टेस्टिंग कर रहे हो, आपको सिक्वेंस पे ही रहना है। सिक्वेंस छोड़ा नहीं, आप फंसे नहीं, ठीक है। तो यहां तक ये जो है हमारा क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधे IO में, IO में स्कीमेटिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्कीमेटिक पे भी देख लेते हैं कि कैसा क्या दिखता है। ये R23 जो हमारा बोर्ड होता है, जिसको अखिलेश वाला बोर्ड भी कहते हैं यूपी में, तो पता ही है, सबसे ज्यादा यही मिलता है देखने को। तो सबसे सिंपल जो है ये AMD का बोर्ड है, तो इसकी भी IO पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो IO लगी हुई है वो ENE की IO लगी हुई है, और IO जो है हमारी KV39
30। लेकिन यहाँ पे तो देखो KB 3930 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आयो नहीं लगी है, इसमें आयो जो लगी है वो अलग लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं केवल HP ने जो बोर्ड दिया है वो केवल यही आयो लगा के दिया है, तो आयो तो खैर वो तो मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि कौन सी आयो लगा दे। हमें यहाँ पे आयो की रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, तो सबसे पहले बातें तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3 BPC, यानी कि आयो की स्टैंड बाई सप्लाई, जिसको मैं BCC सप्लाई भी कहता हूँ, आयो के इंटरनल लॉजिक को काम करने के लिए चाहिए होती है, तो ये जो सप्लाई है इसका आपको खासतौर से ध्यान रखना है, इसको आपको चेक करना है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। ये सप्लाई आप किस किस पिन पे चेक कर सकते हो, 3.3 वोल्ट आएगी, 9 नंबर पे कर सकते हो, 22 पे, 33 पे, 96 पे, 111, 125, इन पिन पे आप सप्लाई चेक कर सकते हो। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट सप्लाई है, कई बार लोग उसको छोड़ देते हैं, बहुत जरूरी है, आपको ये सप्लाई भी चेक करनी है AVCC। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो आयो होती है कोई भी सर्किट, उसमें दो सर्किट होते हैं, एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है, है ना, तो ये एनालॉग सप्लाई होती है, ABCC क्या है, हमारी एनालॉग सप्लाई है, इस सप्लाई को आपको चेक करना जरूरी है। पिन नंबर 67 पे आपको कितना वोल्ट चेक करना है, 3.3 वोल्ट आपको चेक, ध्यान रखिए कभी कभी ये वोल्ट जो है, वोल्टेज जो है वो क्वाइल से होके आता है, ठीक है, तो देख लेते हैं, ठीक है, तो दो चीजें हमारी ये चेक हमने कर ली, उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें इसका ग्राउंड चेक करना है, ठीक है, तो ग्राउंड में देखे हमें क्या क्या चेक करना है, तो यहाँ पे ग्राउंड में क्यों कह रहा हूं, वैसे तो चेक करने की कोई इतनी जरूरत नहीं होती है ग्राउंड की, यहाँ पे देखो हमारे ये तो है हमारे BCC वाले ग्राउंड, अगर देखें तो जो हमने अभी पिने बताई थी ये इतने ग्राउंड देख रहे हो ना, ये BCC के ग्राउंड होते हैं, ऊपर जो सप्लाई अभी हमने चेक करी है, ठीक है, तो ये BCC के हमारे ग्राउंड है, ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये BCC के ग्राउंड है, इसके बाद AGND आपके एनालॉग सप्लाई का ग्राउंड है, इसको भी आपको चेक करना जरूरी है। कई बार ये क्या होता है, बीच में क्वाइल लगी होती है, क्वाइल ड्राई हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो ये सप्लाई नहीं मिलती है, तो एनालॉग सर्किट आयो का काम नहीं करता, तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, मैं आपको बताया था आपको EC रीसेट चेक करना है, तो EC रीसेट के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे देखो ये पिन नंबर 37, ये जो आपको पिन नंबर 37 दिख रही है, इस पे लिखा भी है आपका, क्या लिखा है, EC रीसेट हैच, यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट चेक करना है, ठीक है, कितना चेक करना है, 3.3 वोल्ट आपने इसको चेक कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या जाएगा, क्या चेक करेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट में, आपको क्या करना है, चेक लिड स्विच करना है, ठीक है, तो लिड स्विच को देखते हैं कहीं पे आपको लिड इन या लिड आउट के नाम से कोई चीज दिख रही है, अगर आप देखना चाहें आप तो ढूंढ लेते हैं, तो इधर तो मेरे ख्याल से शायद कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, दिख रहा है तुम्हें, नहीं है ना, नहीं है, चलिए इधर आ जाते हैं, तो इस साइड देख लेते हैं, तो इस साइड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, ये देखो ये लिड EC दिख रहा है, हाँ, तो ये हमें चेक कर लेना है, ठीक है, इसके बाद एक लिड ये है, तो ये जो है EMU लिड है, ये हमारा यहाँ पे इनपुट है, यानी कि लिड स्विच का मैंने बताया था, लिड इन हॉल सेंसर का जो इनपुट होता है वो आपको चेक करना है कितने नंबर पिन पे, तो आप यहाँ पे देख लोगे आपको 31 नंबर पे चेक करना है, ठीक है, तो पिन नंबर 31 पे आपको इसको चेक कर लेना है, ठीक है, कर लेंगे चेक, कितना चेक करोगे, 3.3 वोल्ट, उसके बाद में लिड स्विच आपने चेक कर लिया, उसके बाद में आपको क्या चेक करना है, और भी सिग्नल मैंने बताए थे आपको, थर्मल का भी आपको चेक करना है, तो अगर थर्मल का देखोगे तो थर्मल भी आप चेक कर लो, थर्मल का भी कहीं ना कहीं कुछ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये देखो थर्मल की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे, बैटरी टेम्परेचर है ये, तो ये CPU थर्मल, तो इस पे भी आप चेक कर सकते हो, ये थर्मल की आपकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, थर्मल आपको चेक करना जरूरी है, ठीक है, थर्मल चेक कर लिया आपने, उसके बाद में आपको क्या चेक करना है, हमने बताया था आप ACOK को भी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ACOK को चेक करेंगे, तो ACOK को चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे ACOK जो आता है वो AC इनके नाम से भी आता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं ACOK का इनपुट होगा, ये रहा AC, ठीक है, ये AC आप देख रहे हो, ये AC इन, तो AC इन जो है यहाँ पे एरो पे नहीं जाना, हमें एरो पे नहीं जाना, ये एरो पे नहीं जाना, ठीक है, ये AC इन जो है 86 नंबर पे आप चेक कर सकते हो, ये कहाँ से आता है, ये हमारा चार्जिंग IC से आता है, इस पे भी आपको 3.3 वोल्ट को चेक कर लेना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब आपने ये चेक कर लिया, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, क्या चेक करेंगे, अब पावर बटन,
इन चेक करेंगे तो पावर बटन का अगर हम देखें तो कहाँ पे हमें मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखो केबी से पावर बटन या पावर बटन करके कुछ लिखा हुआ है, एनवीएस ऑन के नाम से होगा। तो मेरे ख्याल से इधर है फ्रॉम पावर बटन, ये लिखा हुआ है। पिन नंबर कितना है, 28 पे आप देखो लिखा है एनवीएस ऑन। एनवीएस ऑन मतलब पावर बटन इन, इसको आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट, ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है। पावर बटन इन आपको चेक कर लिया आपने, उसके बाद में आपको एसी प्रेजेंट का भी सिग्नल चाहो तो चेक कर लो, लेकिन अभी मत करो। अब सीधे आप कहीं नहीं जाना, आपको सीधे जाना है आपको बायोस पे। तो इसी बायोस जो आपका दे रखा होता है आप उसको चेक करो, उसको चेक कर लो जहां भी आपका है, ठीक है। तो बायोस भी हमारा यहीं से जुड़ा होता है, तो बायोस का डेटा जो है वो यहां से सीधा हमारा जुड़ा होता है, ठीक है। ये रही हमारी बायोस की चिप, ये ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है इसी बायोस इसके साथ मेरे ख्याल से अंदर ही होती है, तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हो। ये 2 MSPI ECROM लिखा हुआ है ये, ठीक है, और एक 128 KB की SPI ECROM लिखा है, तो ये मेरी ECROM EC BIOS है, ठीक। तो ये पिने आप देख सकते हो, ये सीधे अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारी सीधे वहीं जा रही होंगी, ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा होगा। तो हम इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, बायोस लिखा हुआ है फिलहाल हमारा, ये बायोस SP क्लॉक हो गया, ये हो गया। तो बायोस तो अंदर है तो उसको चेक करने की इतनी जरूरत है नहीं। उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, लेड आउट चेक कर लो। लेड आउट अगर आपका है तो मैंने यहीं पे बताया था आपको, लेड आउट भी आपका था, ठीक है। तो ये आपका लेड आउट चेक कर लो, यहाँ पे भी आपको वोल्टेज चेक करना, ठीक है, यहाँ पे भी आपको वोल्टेज चेक करना। उसके बाद मैंने आपको बताया पावर बटन आउट का बाद में चेक कर सकते हो, उससे पहले ही आप एसी प्रेजेंट को चेक कर सकते हो, RSM रीसेट को चेक कर सकते हो। तो कई बार RSM रीसेट पावर बटन के बाद चेक कर लो, पहले दोनों कंडीशन में आपको वो चेक ही करना है, एक बार पहले भी करके देख लो बाद में भी करके देख लो। तो यहाँ पे देखते हैं, तो कहीं आपको SMRST दिख रहा है लिखा हुआ, इधर देखते चलना, ठीक है, ये लिखा है RSM RST है, ठीक है, ये लिखा, ये यहीं पे खत्म कर दिया क्योंकि बीच में कुछ है नहीं। तो 95 नंबर पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये सॉरी इसको करना पड़ेगा थोड़ा, तो ये हमें यहाँ पे यहाँ पे दिखा, ठीक है, इसको चेक कर लोगे। उसके बाद आप एसी पे जेंट तो हम चेक कर ही चुके हैं, नहीं चेक किया है तो उसको इतना मतलब जरूरी भी नहीं है, इसको आप चेक कर लो। उसके बाद में आपको चेक करना है पावर बटन आउट, लीड आउट भी चेक कर लिया, पावर बटन आउट को भी एक बार देख लो। तो पावर बटन आउट को आपको कहाँ पे चेक करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे पावर बटन की इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी, तो यहाँ पे एनवीएस ऑन दिखा था मुझे, इसी के तरह में एक DNVS ऑन भी दिखेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे मिला ये पिन नंबर 90 नंबर पिन पे ये हमें मिला, ठीक है, इसको चेक कर लो 3.3 वोल्ट। ये चीजें चेक करने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले आपको चेक करना है PMSLP S4। तो यहाँ पे जो PMSLP S4 है, चूंकि क्वांटा का बोर्ड है तो इस पे अलग नाम से आता है, तो यहाँ पे आता है आपका SUS-C के नाम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये SUS-B लिखा है, लिखा है SUS-B। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं SUS-C भी लिखा होगा, आप देखो यहाँ पे ये SUS-C, ये SUS-C एक्चुअल में क्या है, ये हमारा कौन सा सिग्नल है, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये कौन सा सिग्नल है आपका SUS-C, ये PMSLP S4 है। क्या है, PMSLP S4. जब PMSLP S4 आएगा इस पे, किससे आएगा, PCS से, तो इसी के आधार पे आपकी आयो क्या होगी, एक जो सिग्नल है उसको जनरेट करेगी, जिसको कहते हैं SUS-OR, क्वांटा की भाषा में बोलते हैं SUS-OR। तो यहाँ पे देखो कहीं से एक SUS-OR नाम का कोई सिग्नल दिखा है, देखो ये SUS-OR दिखा है ना, ये सिग्नल जो है ये SUS-OR सिग्नल है, ये यहां से जनरेट होगा। अब यही जाएगा आपकी रैम की सप्लाई को इनेबल करने के लिए। हुआ क्या, यहां से सिग्नल आया PCS से, कौन सा आया, PCS से सिग्नल आया SUS-C, यानी कि PMSLP S4, उसके आधार पे इसने निकाला SUS-OR। अगर ये बिस्टोन का बोर्ड होता तो यही सिग्नल इधर से नहीं निकलता, आयो नहीं देती, आयो पे सिग्नल आता वही सिग्नल चला जाता, वहीं से चला जाता, और नाम भी चेंज नहीं होता, वही नाम रहता, ठीक है। तो ये SUS-OR हो गया। इसी तरह से ऊपर देखते हैं तो एक सिग्नल हमें और दिखा यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था अभी, कौन सा सिग्नल है, यहाँ पे देखो SUS-B। ये बेसिकली क्या है, PCS से आया हुआ आयो के लिए PMSLP S3 हैच है, ठीक है। तो जब ये सिग्नल आएगा, तो इसके आधार पे क्या करेगी,
हमारी आयु जो होगी वो एक रन ऑन या मेन ऑन करके सिग्नल जनरेट करेगी। तो यहाँ पे देखो ये मेन ऑन का सिग्नल आपको दिखाइए, मेन ऑन का सिग्नल दिखा, तो मेन ऑन का सिग्नल क्या होगा, ये आगे चला जाएगा जहां भी इसको जाना है, इसी तरह से हमारा सस ऑन का भी चला जाएगा। तो ये दोनों सिग्नल क्या करेंगे, जाके अपने अलग अलग लेवल की सप्लाइयां, जैसे ये बनाएगा आपकी S3 लेवल की सप्लाई, ठीक है, और ये जो सिग्नल जाएगा तो बनाएगा आपकी S0 लेवल की सप्लाई, S0 की स्टेट की सप्लाइयां बनाएगा। इतना काम अगर आपने कर लिया आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा। बाकी जनरली आप चाहो तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप आयो रिप्लेस करके देख लो, 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो उसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक सिग्नल जो होता है वो आयो जनरेट करती है, सिग्नल को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। उस सिग्नल का नाम होता है S5 ON, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ये S5 ON। इस मदरबोर्ड में 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो होती है वो बाद में बनती है, जब तक आपका ये S5 ON यहाँ से नहीं निकलेगा। कितने नंबर पिन से निकल रहा है S5 ON, 101, इस पे भी आपको 3.3 वोल्ट चेक करने हैं। ये मेजर इंपॉर्टेंट सिग्नल है, वरना 3 वोल्ट 5 वोल्ट आपका इनेबल होगा ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें चेक कर लो, आयो को प्रोग्राम करके देख लो, काम नहीं बना रिप्लेस करके प्रोग्राम करके फिर देख लो, है ना। रिक्वायरमेंट्स में आप इतना ही चेक करो, बोर्ड आपका ऑन हो जाएगा। बाकी की 128 पिन है तो सारी बोर्ड ऑन को कराने के लिए नहीं होती, कुछ पिनों का यूज अलग भी है, जैसे डिस्प्ले के केसेस में, कीबोर्ड के केस में, टच पैड के केस में, बहुत सारे केसेस में अलग अलग है, ठीक है। तो आज के लिए बस आयो की रिक्वायरमेंट्स में इतना ही, और बाकी चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे, तो मैं वीडियो में इसकी आपको दे दे रहा हूँ। ओके।